नमस्कार, हम यहाँ गाजी बॉर्डर पर हैं। एक साल से नए कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आज अचानक यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है और किसानों का जमावड़ा यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। नए किसान कानून भले ही वापस हो गए हों, लेकिन किसान अभी भी MSP खरीद को लेकर आंदोलित हैं। आइए हम यहीं किसानों से खुद उनसे बात करते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने तो किसान कानून वापस ले लिए हैं, अब किसान किन बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? अभी किसान मोदी जी ने वापस कहाँ लिए हैं कानून जी? अभी तो घोषणा करी है जी। मोदी जी तो ऐसी घोषणा, जब से चुनाव लड़ना शुरू करा था 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे, उससे पहले से करते आ रहे हैं घोषणा। भाई किसान की आमदनी दूनी, गन्ने का रेट 500 रुपये, 15-15 लाख रुपये, रोजगार। लेकिन अभी कुछ धरातल पे तो है ही नहीं, मतलब विश्वास नहीं है मोदी सरकार ना, अभी कोई विश्वास नहीं। जैसे कानून आए संसद में पेश हुए, ऐसे ही ये कानून जाएंगे, इनकी प्रक्रिया है। तो ऐसे ही जब ये हो जाएंगे कैंसल, उसके बाद हमारी MSP की गारंटी। भाई हमें जो है अपनी फसल का रेट तो चाहिए, हमें तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। भाई हमारी फसल का रेट वही बिक रही नहीं, अब गन्ना जो है 225-225 रुपये बिक रहा है, और रेट है गन्ने का 350 रुपये, और वो भी कम है, जबकि हमारा खर्चा ही गन्ने का 450 रुपये प्रति कुंटल का आ रहा पैदा करने का। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए हैं, उस बारे में क्या कहना है? भैया जी कुंटल पे 25 बढ़ाए, किलो पे 25 पैसे बैठ रहे हैं, 25 पैसे किलो बढ़ाया। अब ये बता दो और कौन सी चीज 25 पैसे किलो में बढ़ रही है, सब कई सौ रुपये किलो में बढ़ रही है। किसान आंदोलन की आगे क्या रणनीति है? रणनीति तो सब हमारे यूनियन के जो भी अध्यक्ष हैं, संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष हैं, पूरी मीटिंग पूरा मोर्चा है वो तय करेगा। लेकिन हम तो अपनी लड़ाई, जब तक हमें हमारे MSP नहीं मिलेगी, हमारे बिजली के रेट हैं, अब हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट, हरियाणा में बिजली के रेट 17 रुपये प्रति हॉर्स पावर और हमारे यहाँ 170 रुपये प्रति हॉर्स पावर। ऐसा क्या है जी उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली है, या बिजली कुछ और तरह की है जो यहाँ 170 रुपये प्रति हॉर्स पावर और हरियाणा में 17 रुपये प्रति हॉर्स पावर? किसान तो मरा पड़ा है बिजली में। उत्तर प्रदेश चुनाव जो आ रहा है विधानसभा, उसमें क्या मूड है किसानों का? इसमें जवाब दिया जाएगा जी इन्हें, इन्हें जब तक हराएंगे नहीं ये आने, इन्हें सीख ही नहीं आने की, ये तो तानाशाही सरकार चल रही है बिल्कुल। चौधरी साहब आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा ये कहना है ये जो पार्टी है किसान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो इस बार सबक सिखाएंगे? सबक तो सिखाएंगे। क्या कहना है इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? चुनाव में तो मुंह की खाएंगे, अब क्या सरकार आने की ना इनकी सरकार, जब ये झूठ बोल के वायदे कर रहे हैं। न्यू हमने गन्ने का पेमेंट करवा दिया, और गन्ने का पेमेंट हमारा पिछले साल का अभी तक भी नहीं हुआ, पिछले साल का भी पड़ा हुआ है जी। गन्ने के रेट 4 साल में 25 रुपये बढ़ाए, तो किसान कहाँ जा रहे हैं इस बार? गड्ढे में जा रहे हैं। अच्छा, चुनाव में कहाँ जा रहे? चुनाव में अब देखो समय बताओगा वो तो है भैया। चौधरी साहब बताइए, सरकार बदलेंगे? सरकार बदले हुए तो किसकी बनवाओगे? अब आगे समय बताओ कैसा होगा, किसका जोर होगा। अब रिपोर्ट दिया, वो तो रिजल्ट खोलते नहीं, हम रिजल्ट बोलते, हम ना खोले रिजल्ट। अच्छा, कोशिश करेंगे पूरी 100% कोशिश चाहिए। जाट जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, जाट जो किसान को, किसान जाट नहीं है, किसान। देखिए इस आंदोलन के बाद में ये बदलाव आया है कि अब किसान जाति धर्म से ऊपर उठ चुका है। आपने सुना मैंने जाट बोला तो कहा किसान कहिए, ये बदलाव आया है किसान आंदोलन के बाद में। तो किसान अब आगे क्या करने जा रहे हैं? भैया किसान तो अपने बैठे हैं, पहले बैठे अभी बैठे हैं, जब लोग कानून ये अपने संसद में जाकर रिटर्न लेंगे, MSP पर कानून नहीं बनेगा, बिजली के बिल कम नहीं होंगे, किसानों पर 10,000 से ज़्यादा मुकदमे में वापसी नहीं होंगे, कई मुद्दे हैं अभी तो। अभी तो मतलब अभी किसान आंदोलन लंबा चलेगा। चोर साहब आप बताइए क्या कहना है आपका है जी, किसान आंदोलन जो चल रहा है इस बारे में क्या कहना है? यही कहना है जी हमें भी, और क्या है जी। हाँ चोर साहब, हाँ जी, मोदी सरकार तो कह रही है हमने वापस ले लिया, अब क्या है? कौन सा वापस ले लिया जी? 3 कानून ने दिए वही वापस ले लिया, हमें क्या दिया इन्हें? इसने तो लागू करे वे वापस ले लिया, हमें क्या दिया? क्या और आप क्या चाहते हो? ये देखो देखिए किसानों ने MSP नहीं तो आंदोलन वही BKU
ये भारतीय किसान यूनियन ने बाकायदा स्लोगन लगा दिया है, ये देखिए। आपका क्या कहना है चौधरी साहब? वही जो मैं तो जो कह वो मारा है जी कहना और क्या। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संस्कार देखिए आप, जो ताऊ ने बोल दिया वही हमारा कहना है, गजब। सबका 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 यही कहना है, जब तक अध्यक्ष जी कहेंगे तब तक इस हटेंगे नहीं। अध्यक्ष जी मतलब ठीक है साहब, इनका कहना है जब जो राकेश टिकैत बोलेंगे वही किसान करेंगे। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार घुमा हूँ और यहाँ के किसान यही कहते हैं, जो राकेश टिकैत बोलेंगे वही यहाँ के किसान करेंगे। देखिए ये राकेश टिकैत का पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों पर प्रभाव। आइए चोर साहब आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महाबेईमान महाजूठे, इन्हें वोट क्या देंगे, ये तो तमाम दुनिया भर की झूठ बोलने का आदमी। और तो चला गया, जितने भोजपुर फौजी हैं उनका 1.5 साल का डीए बढ़ गया, 1.5 साल का डीए बढ़ा, और इसने 1.5 साल के बाद बड़ा काट दिया और सब खत्म कर दिया। जितने नौकरी पेशा आदमी थे लगातार उसके साथ बेईमानी किया, तो हमेशा झूठ बोलता प्रधानमंत्री। मतलब किसान के साथ जवान के साथ भी बेईमानी, जवान के साथ बेईमानी। जितने और बेचारे गरीब आदमी नौकरी कर रहे हैं उनका TA DA सब काट दिया इसने 1.5 साल का, पहले के 1.5 साल में दूंगा और 1.5 साल बाद सब DA खत्म कर दिया। देखिए ये है किसानों का कहना कि किसान के साथ जवान के साथ भी बेईमानी करी है मोदी सरकार ने। ये थे किसान गाजीपुर बॉर्डर पर और कह रहे हैं जब तक MSP खरीद पर कानून नहीं बनेगा और हमारी दूसरी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी तब तक MSP नहीं तो आंदोलन वही। तो ये है किसान आंदोलन का यहाँ का नारा। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, नमस्कार।